फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। क्या होता है कि जो लोग शराब पीते हैं, ये वीडियो लगभग केवल उन्हीं पे फोकस करने में जा रहा हूँ। तो जो लोग शराब पीते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उसके लीवर के अंदर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, तो घबरा जाता है कि भाई अब क्या करें। तो शराब के वजह से लीवर के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई, यानी यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो रहा है, समझ जाइए, और अगर आप शराब पी रहे तो समझ जाइए आपको प्रॉब्लम आ चुकी है। तो दोस्त, शराब की वजह से लीवर में अगर सूजन हो चुका है या प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट ज़रूर देखना है, क्योंकि इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है उसका समाधान मैं देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड, पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे ही आप अगर शराब वगैरह का सेवन अधिक करते हैं, करना बुरी बात नहीं, लेकिन अधिक करना शुरू कर देते हैं, यानी पी के एकदम लुंड हो चुके हैं, कोई होश हवास नहीं है, हो सकता है आपके ब्लड के अंदर उसका जो नॉर्मल वैल्यू है 200 mg 500 mg तक अगर ज़्यादा, तो आप कोमा वगैरह में भी जा सकते हैं, उससे ऊपर है तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और आप एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो दोस्त, क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पूरा इसमें शराब जाना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जा करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पोटा हेपाटिस के माध्यम से लीवर में जाता है। फ्रेंड, लीवर में जाता है तो लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब बहुत सी साइकिल्स वगैरह चलती हैं। क्या होता है कि इसके अंदर जब ये जो हमारे अंदर शराब गया है, वो एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी ग्लूकोज वगैरह से कन्वर्ट होते होते फिर लिपिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जा करके जो हमारे लीवर्स के छोटे छोटे हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं, वहाँ पे जा करके छोटे छोटे लिपिड्स वगैरह के ड्रॉपलेट्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह बनने लगते हैं, कोलेस हो के, यानी आपस में जुड़ करके वो बड़ा होने लगता है। फिर क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि हमारे जो कोशिकाएं हैं, यानी हेपाटोसाइट है लीवर के, उसके अंदर नेक्रोसिस वगैरह शुरू हो जाता है। लीवर के सेल्स के अंदर से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वगैरह है, और ये सब जितने हैं, ये सब पूरा सिक्रेशन वगैरह शुरू हो जाता है, जिसके वजह से कि हमारा जो लीवर की छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज होना लगातार शुरू हो जाता है। फ्रेंड, अगर इसमें थोड़ा सा समय दिया जाए तो ये वापस से अपने आप को रिग्रोथ कर सकती हैं, लेकिन अगर समय नहीं दिया जाएगा तो इसको ये समझ जाइए, एक बार अगर ये फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, केवल लीवर ट्रांसप्लांट इसका समाधान होता है। तो दोस्त, इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे अल्कोहलिक स्टेटिव फाइब्रोसिस वगैरह बनता है। अल्कोहलिक स्टेटिव फाइब्रोसिस वगैरह होने के बाद इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह भी हो सकता है, उसके बाद इसमें सीरियोसिस होता है, सीरियोसिस से आगे भी जा करके यहाँ पे लीवर CA यानी कैंसर हो सकता है। फ्रेंड, अब इसमें कौन कौन सी जांच कराई जा सकती है, तो फ्रेंड देखिए, इसके अंदर सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है, इसके अंदर हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर सब देखते हैं कि HDL LDL वगैरह ये सब कितना है। फ्रेंड, इसके अंदर हम लोग CBC वगैरह है, यूरिया एलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, BUN कराते हैं, यानी ब्लड के अंदर कितना यूरिया लेवल है, ब्लड सीरम के अंदर कितना अल्कोहल का लेवल है, तो ये सब CBC वगैरह, ये सब छोटी छोटी इसके अंदर जांच वगैरह हम लोग करवा सकते हैं। बात करते हैं कि इसके अंदर क्लिनिकल साइंस अंटन क्या मिलेगा, यानी पेशेंट कौन सा ऐसा अपना दुखरा रोना शुरू करेगा। तो फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेंड, इस यहाँ पे जो शराबी होता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो जब डॉक्टर्स या घर के भी आदमी अगर इसको ऐसे दबाना शुरू करेंगे, तो जो लीवर उसके अंदर इतना सूजन हो जाता है कि ऊपर तक आराम से टेंडर्स वगैरह उसको आप महसूस करेंगे, इसमें सूजन वगैरह आ चुका है। फ्रेंड, क्या होता है इसके अंदर कि उसको बार बार वोमिटिंग नोजिया आएगा, यानी लगेगा कि वो उल्टी कर रहा है, और उसको बार बार लगेगा कि उसको चक्कर जैसा भी आने लगा है, उसको भूख वगैरह भी नहीं लगेगा, उसका किसी चीज़ में मन वगैरह भी नहीं लगेगा, हो सकता है अगर इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया तो उसको लगातार फीवर वगैरह भी हो सकता है। बात करते हैं इसके अंदर मेजरमेंट क्या, तो दोस्त इसके अंदर विटामिन के वगैरह है, थायमिन है, ये सब वगैरह प्रमुखता से चलता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स वगैरह का सिलेक्शन करके चलाते हैं, कुछ लीवर के टॉनिक्स होते हैं, अगर एंजाइम्स वगैरह बहुत बड़ा है, एलेप्टी वगैरह के अगर रिपोर्ट आते हैं तो उसमें लीवर के टॉनिक्स वगैरह भी चलाते हैं। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।